मैं क्यों बैठा हूँ? आज इस बात का जवाब तुम दो। मैंने तो बहुत बार कह दिया, आज तुम बताओ कि क्यों मैं बैठा हूँ तुम्हारे घर पर, तुम्हारे दिल में राज कर रहा हूँ। आखिर क्यों? क्या फ़ायदा मेरे होने का जब रात को सोते हो तो तुम्हें व्यापार के घाटे की चिंता होती है, तो कभी घर पर चोरी हो जाए ऐसा कोई डर लगता है, तो कभी किसी के बीमार होने का डर लगता है, तो हमेशा कोई ना कोई नकारात्मक सोच। अगर ऐसा ही है तो मैं क्यों हूँ तुम ही बताओ। तुम्हारे घर का जो मुखिया है ना, जो सारे फैसले ले रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, वो सब मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि असलियत में मैं तुम्हारे घर का मुखिया हूँ। तो जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, बस उसमें साथ देना। ऐसा मत करना कि भविष्य में जाकर तुम ही पीछे हट जाओ। इस वक्त तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बस साथ रहने की ज़रूरत, साथ चलने की ज़रूरत है, और देखो हर किसी की समस्या दूर हो जाएगी, खासकर कुछ लोगों का जो मानसिक तनाव है, जो अब दूसरा रूप लेना शुरू कर दिया है, जिसका थोड़ा थोड़ा तुम्हें अंदाज़ा है। तुम उससे भी निकल जाओगे। साथ बैठकर ध्यान क्यों नहीं करते? और ध्यान नहीं कर सकते हो तो मंत्र जाप ही करो, पर पूरा परिवार साथ बैठकर करो, और हो सके तो मंदिर आना जाना शुरू करो, धार्मिक कार्यों में मन लगाओ और मन लगवाओ भी। और खासकर जो लोग नकारात्मक हो गए हैं, जो तुम्हारे परिवार के सदस्य ज़्यादा चिंता कर रहे हैं ना, उनके हाथों से अन्नदान करवाओ, और फिर देखो कैसे सब बदल जाएगा। जिस दिन उनके हाथों से किया गया भला किसी और के चेहरे पर मुस्कान ले आएगा ना, उन्हें उनके जीने का कारण समझ आ जाएगा। तुम नहीं जानते, पर तुम्हारे ही परिवार में कुछ लोग इस तरह का धोखा खा लिए हैं, या कुछ लोगों के मन में इस तरह का दुख है ना, जिससे उबरने में समय लगेगा। उनसे बार बार पूछो मत उन चीज़ों को, उन जख्मों को बार बार हरा भरा करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा साथ, थोड़ी सी सहायता कर दो। अगर तुम खुश हो, तुम्हारा परिवार खुश है ना, तो यकीन मानो तुम इस दुनिया को और सुंदर बना सकते हो, और इस पूरी दुनिया के लिए सब कुछ करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। बस जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, जो जा रहे हैं उन्हें भी गले लगाकर विदा करना, इतना ही करना है तुम्हें, और मजबूत बनकर रहना है। जो काम सबको बोल बोल कर नहीं हो रहा है ना, उसे शांति से करो। जो तुमसे शुरू नहीं हो पा रहा है तो मेरी सचरित्र पढ़ो, सब शुरू हो जाएगा। मेरे खासकर कुछ बच्चों ने किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की थी ना, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई है। अब निश्चिंत रहना, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, इस बात का ध्यान रखना।